हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोज में आपको बता चुका हूँ। उस फर्स्ट क्वेश्चन में अपन लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना था। किस तरीके से, किस मेथड से? अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना था। उसी के आगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बेटा, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन है। ये तो खैर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में तो है ये क्वेश्चन। लेकिन तो अपन लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता और यहां पे कहीं मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आपको मैंने जो मेथड बताए थे एलिमिनेशन बाय क्विटिंग द कोएफिशिएंट एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सिर्फ नाम ही बताया था। अभी अगली वीडियोज में उनको मैं बताऊंगा आपको, तो उन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब क्वेश्चन में मेथड का नाम लिखा हुआ हो तब आपको उसी मेथड से करना है। क्योंकि एक्सरसाइज क्या है बेटा, 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, इसलिए अपन लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अपने पास दो इक्वेशन हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहां इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन यहां देखते हैं बेटा, क्या है इक्वेशंस, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। क्लियर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ये अपन लोगों ने इसको लिख लिया। दोनों इक्वेशंस में से कोई सी भी इक्वेशन अपन लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऑन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है? तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब मैं यहाँ पे, ये भी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए चाहे y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ इन द टर्म्स ऑफ y। तो देखिए बेटा, 2x है, प्लस का 3y उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y, माइनस 3y, 11 यहीं कहीं रहा। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में, ये आपका x का वैल्यू मिल गया किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई थर्ड। अब इस x की वैल्यू फर्स्ट से निकाली है, किससे निकाली है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। कहाँ रखेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, 2 इंटू एक्स, मतलब x की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये अपन लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा बेटा, अब आपके पास बचा क्या बचा, 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस 24। क्या करेंगे बेटा, सेम साइन ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 3y माइनस 4y क्या हो जाएंगे, माइनस का 7y, साइन वही रहेगा माइनस का, 11 उस साइड चला जाएगा तो माइनस 24, यहाँ ये पॉजिटिव है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बेटा माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस, सेम साइन ऐड यानी कि साइन वही रहेगा, तो 24 11 कितना हो जाएगा बेटा, 35। इज दैट क्लियर? चलो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 बन जा 7, 5 या 35, तो आपका y इज इक्वल टू 5/1 यानी कि क्या आएगा, 5। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो फ्रॉम
इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन में x इक्वल टू 11 माइनस 3 बाई y कितना है बेटा 5 अपॉन 2। तो 11 3 5 या 15 अपॉन 2, 11 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4, क्योंकि डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं तो 15 में से 11 गया 4 और साइन बिग साइन कंसीडर किया जाता है तो बिग साइन मतलब माइनस का साइन कंसीडर किया जाएगा अपॉन 2, 2 बन जाए इन टू 2 जा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो आपका ये आंसर हो गया x इक्वल टू 2 एंड माइनस x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन में कहता है m की वैल्यू फाइंड करना है किसके लिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 के लिए। तो इसके बाद अपन लोग यहाँ वहाँ से लिखने के बाद यहाँ आएंगे और यहाँ क्या करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसको कंसीडर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आई बेटा 5, इसमें पुट कर देंगे m, x की वैल्यू क्या आई माइनस 2 प्लस 3। अब देखिए बेटा 5 माइनस 2 इंटू m करेंगे तो माइनस का 2m प्लस 3 हो जाएगा, क्लियर है। 2m माइनस 2m इस साइड ले आएंगे तो पॉजिटिव 2m हो जाएगा, 5 उस साइड जाएगा तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू 3 माइनस 5 हो जाएगा 2, वो भी माइनस का, तो m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, 2 बन जा 2 बन जा, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आई बेटा माइनस के 1, क्या आई माइनस के 1। क्वेश्चन क्या कह रहा था फिर सुनिए, क्वेश्चन कह रहा था कि इन दोनों इक्वेशंस को पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या करना है सॉल्व करना, क्लियर है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्लियर है। अपने पास कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्लियर है। और फिर जो है m की वैल्यू निकालनी है जब y इक्वल टू मतलब कि किसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 के लिए, तो x और y की वैल्यू देखने को मिल जाती है तो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे अपना m की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, क्या करना है आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसको लेट कर लेना है। इक्वेशन फर्स्ट आप मैंने कंसीडर किया, क्या किया उसमें से मैंने x की वैल्यू फाइंड की, आप y की भी कर सकते थे, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, क्लियर। चलिए अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन में चला जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली, कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर है। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या कहती है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, तो 2x तो 2 और x की वैल्यू ये रख दी अपन ने, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 यहाँ पे बचा, सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो माइनस सेम साइन ऐड हो जाएंगे माइनस 3y माइनस 4y क्या जाएगा माइनस का 7y, 11 उस साइड चले जाएगा माइनस का 11, तो ये सेम साइन ऐड तो माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ओके। y की वैल्यू 5 अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्ड में रखी, x की वैल्यू निकाली क्या आई माइनस 2y। ये दोनों वैल्यू सही है या नहीं है अपन लोग कैसे पता चलेगा, इनकी वैल्यूज यहाँ पे रखिए, तो 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 4, 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 4 11 आपका सही है, इसमें रखिए तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 4 इंटू 3 4 इंटू 5 20, तो माइनस 4 और माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 24, मतलब अपन लोगों ने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है। फिर एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में, तो y की जगह 5 x ये माइनस 2 रखा, ट्रांसपोजिशन किया तो x में m की वैल्यू क्या आ रही माइनस 1 आ रही, क्या आ रही m की वैल्यू माइनस 1। आई थिंक बेटा आपको समझ में आया होगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको वीडियो शेयर भी कीजिए, क्लियर है, और वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, बर्ड प्रॉब्लम दी जाएंगी, क्लियर है, उन प्रॉब्लम के द्वारा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन आपको बनानी है, क्लियर है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब x और y की फॉर्म में इक्वेशन आप बनाएंगे तो x और y वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल आप फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे जो है देर आर सिक्स क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सिक्स क्वेश्चन है, छः क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्या है बर्ड प्रॉब्लम। बर्ड प्रॉब्लम में अगर मैं आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी होंगी
क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हुई क्लास टेंथ की, तो मैंने एक चीज़ आपको ज़रूर समझाई है। क्या समझाई वो चीज़? मैंने बताया जब भी वर्ड प्रॉब्लम का आपको सॉल्व करना है तो वर्ड प्रॉब्लम में जो भी आपको फाइंड आउट करना है कंडीशंस के हिसाब से उसको सबसे पहले लेट करेंगे। जो फाइंड करना है उसको सबसे पहले लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। आपके पास दो नंबर्स हैं कोई से भी, उनका डिफरेंस दिया गया है, उनका अंतर दिया गया है। अंतर मतलब डिफरेंस 26। जाहिर सी बात है एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। चलिए क्या कहता है, वन नंबर इज 3 times द अदर। देखिए आ गई बात, एक नंबर जो है वो दूसरे से 3 times 3 times ज्यादा है। वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। तो क्या फाइंड करना है? वो दोनों नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट सबसे पहले वही नंबर करेंगे। कैसे लेट करेंगे? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट वन नंबर इज 3 times द अदर दे रहा है, एक नंबर जो है वो दूसरे से 3 times है। तो अगर अपन लोग सबसे पहले दिमाग लगा लें, लेट वन नंबर इज एक्स, एक नंबर अपन ने एक्स मान लिया, एंड अदर नंबर इज वाई, और दूसरे नंबर को अपन लोगों ने वाई मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर दूसरे से क्या है 3 times है, मतलब एक्स एक्स इज इज का मतलब इक्वल आ गया 3 times ऑफ वाई। क्लियर है? एक नंबर दूसरे 3 times। क्लियर है यहां पे? कोई दिक्कत आपको? और आप यहां पे ये भी कर सकते हैं, आपको नहीं बताया गया कौन सा नंबर बड़ा है, लेकिन आप यहां पे y को 3 times ऑफ x ले सकते हैं, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा दोनों से, क्योंकि एक नंबर बड़ा है एक छोटा है, एक नंबर 3 times है दूसरे से। अब चाहे वो x हो या y हो, तो दोनों कंडीशन में से आपको एक कंडीशन चूज करनी है, या तो आप x इक्वल टू 3y लिखिए या आप y इक्वल टू 3x लिखिए। x इक्वल टू 3y लिखेंगे तो x आपका बड़ा आएगा, और y इक्वल टू 3x लिखेंगे तो y आपका बड़ा आएगा x से, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे जो कहानी आपने लेट की है इसमें क्या है, x जो है आपने y से बड़ा लेट किया, ये दिमाग में फिट कर लेना। जब x आपने बड़ा लेट किया है y से, तो x इज 3 times द y, x क्या हो जाएगा 3 times ऑफ y हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पर? जब x की वैल्यू ऑलरेडी मिल रही है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं अपन लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दे। क्लियर है? अब उन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है 26। तो डिफरेंस अपन लोग बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला माइनस करेंगे, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? तो आपका जो डिफरेंस है यानी x माइनस y कितना है 26 है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो आपका एक आंसर तो क्या है, दो इक्वेशन आपको बनाना है, तो एक आंसर क्या हो गया आपका, देखिए x माइनस 3y को इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 26। ये आपकी इक्वेशंस बन गई, क्योंकि तो उसने बोला था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है? तो अपन ने इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब इनको सॉल्व करना है किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दी गई है, x की वैल्यू निकालते ही अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो यहां पे x की वैल्यू इसे पुट कर देंगे, खत्म काम। क्या लिख देंगे डायरेक्टली, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम कहां से, इक्वेशन फर्स्ट इन, ऐसे लिख देते हैं पहले इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से अपन लोग x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। देखिए x की वैल्यू 3y यहां रख देंगे तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो 3y माइनस y कितना हो जाएगा बेटा 2y,
इज इक्वल टू 26, 3y में से y जाएगा, क्या हो जाएगा 2y, 20 से 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, 2 वन जा 2 3 जा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 आ गया, सॉरी 2 वन जा 2 13 जा, 2 वन जा एंड 2 3 जा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 13, अरे 2 से डिवाइड करेंगे ना 13 आएगा, इज दैट क्लियर। चलिए तो y की वैल्यू क्या आ गई अपनी बेटा 13 आ गई, क्या आ गई y की वैल्यू 13, और जब y की वैल्यू 13 आ गई तो अब ये वैल्यू कहां पर कर देंगे फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x इक्वल टू क्या 3y, 3 इंटू 13 मतलब 13 3 जा 39, तो x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13, देखिए x जो आपने बड़ा लेट किया था तो बड़ा ही आ रहा है 39, और ये 3 टाइम्स है y से, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 26 आएगा, मतलब अपन लोगों ने जो किया है वो सही किया है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप यहाँ पे कैसा लेट करते हैं, x बड़ा करते हैं y से तो x इक्वल टू 3y, और y बड़ा लेंगे x से तो y इक्वल टू 3x, क्लियर है, उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो आपको हेंस में क्या लिखना है, हेंस में लिखना है हेंस टू नंबर्स आर 39 एंड 13, ये आपका आंसर रहेगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसके बाद बता रहा हूँ आपको, वीडियो को रोकिए बेटा और नोट जरूर कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, थर्ड का सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है, एक बड़ा एंगल है एक छोटा एंगल है, क्लियर है, तो अपन लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, बड़ा एंगल और छोटा एंगल, तो लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई डिग्री, लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई डिग्री, ये अपन लोगों ने लेट कर लिया। फिर उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला, दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है, क्या है दोनों एंगल्स, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और एक और होते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो एंगल, ऐसे दो एंगल, टू एंगल्स जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, उनको अपन लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं, मतलब जो लार्जर और स्मॉलर एंगल्स हैं ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो यानी कि यहाँ पे x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लार्जर जो है, लार्जर एंगल जो है स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, लार्जर एंगल मतलब x डिग्री जो है वो स्मॉलर से y डिग्री से कितना है 18 डिग्री ज्यादा है, क्लियर है कहानी, ये आपकी कहानी, x इक्वल टू y प्लस 18 ये कह रहा है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब x की वैल्यू तो सेकंड से मिली गई है अपन लोगों को, ये x की वैल्यू जो है, सबसे पहले अपन लोग इक्वेशन बना लिख देते हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा अपन की, इक्वेशन बन गई है यहाँ पे, एक आपका आंसर बन गया, इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशंस आर, क्या है इक्वेशन आर, x
प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एक्स वाई को इस साइड ले आएंगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 80। ये आपकी दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो कहाँ पे रखनी है, सबसे पहले बोले लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड से फर्स्ट में रखना है। तो रखेंगे x की वैल्यू y प्लस 18, तो क्या हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्लियर है, देखिए बेटा y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 और 18 उस साइड चला जाएगा माइनस के 18 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 162। क्लियर है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 162 अपॉन 2, 2 बन जा एंड 2 एट जा और 2 बन जा, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे, y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री, कितनी आ गई 81 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए अब x की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहती है, x प्लस वाई, वाई मतलब 81 प्लस 18, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 819 एंड 819 99 डिग्री। क्लियर है, आई बात समझ में, तो हेंस टू सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। तो देखिए बेटा दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो अपना एक चेक हो गया। और फिर क्या है, ये जो है इससे 18 ज़्यादा है, तो दूसरी इक्वेशन भी अपनी चेक हो गई, मतलब अपन लोगों ने जो किया है वो सही किया। क्लियर है, ध्यान रहे इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल जिन दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिन एंगल का सम जो होता है वो जिन दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात थी, तो यहाँ पे एक इक्वेशन काहे से बनेगी, सप्लीमेंट्री का जो स्टेटमेंट है, सप्लीमेंट्री का जो मतलब होता है उससे, तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनी, इस स्टेटमेंट से कि जो लार्जर एंगल था वो ज़्यादा था किससे, स्मॉलर से, कितना 18 डिग्री। तो एक्स इज एक्सीड मतलब ज़्यादा, कितना 18 किससे वाई को इस साइड लेके आए, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 हो गया। लेकिन अपन लोग सब्स्टिट्यूशन में है यूज़ करना था, तो इक्वेशन सेकंड से अपन लोग वैल्यू निकालते थे एक्स और वाई की, तो यहाँ से मिल ही गई है, तो डायरेक्टली ये वैल्यू उठा के इसमें रख दी, तो अपन को वाई की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू 81 डिग्री आई। फिर वाई की वैल्यू कहाँ रख दी, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो अपनी एक्स वैल्यू आ गई, दोनों एंगल्स आपके फाइंड हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, तो वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800, कितना 7 बैट्स एंड 6 बॉल कितने में खरीदती है वो, 3800 में। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 रुपीज में 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो जो फाइंड करना उसको सबसे पहले ऐड करेंगे ईच बैट की कॉस्ट एंड ईच बॉल की कॉस्ट, आपको सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। चलिए बेटा ऐड करते हैं, सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच
वॉल इज इक्वल टू रुपीस वाई। अब एक बैट की कॉस्ट कितनी है बेटा, एक्स रुपीस, और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, वाई रुपीस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अब आप बताइए, सिक्स बॉल, सेवन बैट्स और सिक्स बॉल उसने खरीदी, तो सेवन बैट्स की कॉस्ट कितनी आएगी, एक की एक्स, और सेवन बैट्स की कॉस्ट कितनी आएगी, सेवन एक्स, सेवन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेवन एक्स। एंड एक बॉल की कॉस्ट वाई है, तो सिक्स बॉल की कितनी आएगी, सिक्स इंटू वाई, यानी कि सिक्स वाई, और दोनों का मिला के कॉस्ट दिया गया है, मतलब प्लस कितना दिया गया है, 3800। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ, क्लियर है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने फिर थ्री बैट्स खरीदे, तो थ्री बैट की कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, 3x। फाइव बॉल्स खरीदी, कॉस्ट कितनी हो गई, 5/5, दोनों का मिलाई कॉस्ट दिया कितना, 1750 रुपीस। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दोनों इक्वेशंस आपको मिल गई, इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन आपको चूज करनी है, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, जो आपकी इच्छा हो, क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए चाहे वाई की वैल्यू निकालिए, और इक्वेशन नंबर थर्ड में आप रख देंगे, ऐसा आपको मैंने बार बार सिखा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, आप अपने मन से अकॉर्डिंग आप अपने मन से कीजिए, क्लियर है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या लिख रहा हूँ, ऑन टेकिंग या फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ से मैं निकालता हूँ y या x, जिसकी वैल्यू निकाल ली, तो मैं निकालता हूँ y की, तो 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x, उस तरह चला जाएगा। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1750 माइनस 3x अपॉन 5, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, क्लियर है। ये वैल्यू सेकंड से निकालिए, कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, जिससे निकालते हैं उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन होती है उसमें रखते हैं, कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में। तो ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं, सेकंड से तो निकाली है, कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में, फर्स्ट से निकाल ले तो कहाँ रखते हैं, सेकंड में, क्लियर है। तो 7x, सेवन एक्स प्लस 7x, 6y, तो 6 इंटू वाई कितना है, 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3800। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में क्या है, 5 है, तो पूरे इक्वेशंस में आप जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी इक्वेशन में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए बेटा, या फिर एलसीएम ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो, तो मैं 5 से इसमें मल्टीप्लाई करूँ कितना, 5 से बन जा 35x, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 इंटू 1750, तो 6 इंटू 1750 करूँगा तो कितना, 6 0 या 0, 6 5 या 30, 6 7 या 42 and 3 45, 6 1 या 6 and 10, क्लियर है, माइनस 6 3 या 18x। बात समझ में आया कि नहीं आई, 5 को हटाना है तो एलसीएम ले लीजिए, चाहे आप 5 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गया, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, देखो इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं पूरे में, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई 5 में करना है तो 00 तो आपका आ गई, 38 5 जो होता है 190, ये आपका आ गया। अब देखिए बेटा, 35 में से 18x माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 18 कितना हो जाएगा, आई थिंक 17x, ये उस साइड चला जाएगा, तो 191230 माइनस 10500, तो 17x इज इक्वल टू 00, 10 में से 5 गया, 5 बचा, फिर 18 में से 10 गया 8, क्लियर है, ये आ गया आपका। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 8500 अपॉन 17 बन जाए 17 5 जाए 85 00, यानी कि x की वैल्यू आ गई 500, क्लियर। x की वैल्यू आपको मिल गई, x वैल्यू कहाँ पुट कर देगी, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में
y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5. तो 1750, 53 या 1500 अपॉन 5 कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 250 बचेगा अपॉन 5. 5 से डिवाइड करेंगे कितना 5 बन जाओ 5 5 0 तो 50. तो देखिए बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 500 और y की वैल्यू क्या आ गई 50. तो x क्या था बेटा आपका ईच बैट की कॉस्ट थी और ईच वॉल की कॉस्ट कितनी है आपकी 50. तो हैंस यहाँ क्या लिखेंगे हैंस कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना रुपीस 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल रुपीस 50. ये आपका आंसर. क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आया होगा. कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, नंबर्स क्योंकि बड़े हैं तो कैलकुलेशन बड़ा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा. क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा. क्लियर है बेटा? चलिए अब इसको जो है आप जो है वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. जो टैक्सी चार्जेस हैं एक सिटी में कैसे हैं कि आपसे फिक्स चार्ज तो लिया ही जाएगा और फिर जितने किलोमीटर आप जाओगे उसका चार्ज अलग से लिया जाएगा. क्लियर है? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105. 10 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए कितना पेड है चार्जेस 105 रुपीज. 10 किलोमीटर के लिए कितना है 105. फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155. 15 के लिए कितना है 155. व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर. आपको क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज फाइंड करना है और चार्ज पर किलोमीटर. फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25. 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा. क्लियर है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो फाइंड करना है वो लेट करेंगे. क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज फाइंड करना है और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है. सबसे पहले इनको लेट कर लेंगे. चलिए बेटा करते हैं इसको. तो लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर रुपीज वाई. मतलब कि आपसे एक्स रुपए तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन जितने किलोमीटर आप जाओगे पर किलोमीटर आपसे वाई रुपीज लिए जाएंगे. क्लियर है? ऐसा होता है सिटीज में. चलिए तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीस. कितने रुपीस 105. मतलब आपसे x रुपीस तो लेगा ही लेगा वो. फिर एक किलोमीटर का कितना है y, तो कितना किलोमीटर चले आप 10 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा 10y रुपीस. और इन दोनों को मिलाए कितना लिया गया आपसे 105. क्लियर है? समझिए फिक्स चार्ज तो आपसे लगेगा लगेगा. फिर एक किलोमीटर कितना लग रहा है 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर आप गए तो कितना हो जाएगा 10y. दोनों का मिला दिया जाए कितना लग रहा है 105. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. सेम कहानी जो सेकंड इक्वेशन में है, 15 किलोमीटर चल रहा है तो x तो आपसे लिए गया है एंड x तो आपसे लिए गया है और साथ में कितना किलोमीटर चले आप 15, तो एक किलोमीटर कितना है y, 15 कितना हो जाएगा बेटा 15y. कितना हो जाएगा 15y. और दोनों को मिला के लिया गया है 155. कितना है 155 रुपीस. दो इक्वेशंस आपके सामने आ गई हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है आपको. चलिए करते हैं. तो अपन लोग कौन सी कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, x फर्स्ट लीजिए सेकंड. तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आप अपने मन से भी ट्राई कीजिए बेटा. अपने मन से ट्राई करने का मतलब समझ रहे हैं कि आप चाहे फर्स्ट लीजिए सेकंड लीजिए, जो कि मैं बोलता हूँ बार बार, और चाहे x की वैल्यू निकालिए इन द टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू निकालिए इन द टर्म्स ऑफ x, ये आपको पर डिपेंड करता है. लेकिन जिससे आप वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे सेकंड में, और सेकंड से निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे
फर्स्ट में, क्लियर है बेटा? ये आपको ध्यान रखना। फिर जब वैल्यू निकल आया आपकी एक वेरिएबल की, फिर जो इक्वेशन थर्ड बनती है उसे आप वैल्यू रख देंगे तो दूसरी वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 105 माइनस टेन वाई, टेन वाई उससे जाएगा। ये बेटा आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, कहाँ से निकाली फर्स्ट से तो कहाँ रखेंगे, सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या है एक्स, एक्स की प्लेस पर 105 माइनस टेन वाई, तो 105 माइनस टेन वाई प्लस 15y, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब देखिए बेटा 105 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े वाले का साइन तो बड़ा कौन है ये, प्लस 15 में से 10 का कितना बचा, 5y इज इक्वल टू 155। तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, क्लियर है? तो 5y इज इक्वल टू कितना बचा बेटा यहाँ पे, 0 एंड 50। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 अपॉन 5, 5 बन जा 5 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। ये y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y, y की वैल्यू कितनी है 10, तो x इक्वल टू 105 माइनस 110, 10 जा 100, तो x कितना आया 5। तो बेटा देखिए, hence fixed charge कितना आया रुपीज 5, 5 रुपए आपको लगने ही लगना, एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना आया रुपीज 10, 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको लगेगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा। ध्यान रखेंगे अपन लोग, टैक्सी चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, मतलब एक्स तो आपसे लगेगा ही लगेगा, प्लस 1 किलोमीटर कितना है वाई, तो 25 किलोमीटर का 25y। अब एक्स की वैल्यू आप रख दीजिए तो 5 प्लस 25 इंटू 10, मतलब 5 प्लस 25 इंटू 10 250, ऐड करेंगे तो रुपीज़ 255, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो फाइंड करना है सबसे पहले लेट करेंगे, ध्यान रखिए आप, ठीक है? वीडियो को नोट की, वीडियो को रोकिए और नोट जरूर कर लीजिए, ओके? चलिए चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ की बात करते हैं। लोग क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया जाता है, 2 ऐड किया जाता है। क्लियर है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, n एंड d, n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है तो 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लेट करना है, ठीक है ना? फ्रैक्शन फाइंड करना है तो फ्रैक्शन को पल्लू क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर को अलग लेट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग लेट करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, क्या एक्स अपॉन वाई, एक्स आपका न्यूमरेटर और वाई आपका डिनोमिनेटर, क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ऐड कीजिए किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो एक्स प्लस 2 होगा और वाई अपॉन 2, तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है, 9/11, तो 9/11 के इक्वल। अब इससे अपन लोग इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए बेटा 11 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 9 का मल्टीप्लाई इसमें, देखिए 11 इंटू एक्स, 11x प्लस 11 टू जा 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई और 9 टू जा 18। देखिए बेटा 11x 9y को साइड लेके आएंगे तो माइनस 9y और 18 22 को साइड तो माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, माइनस 4। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई, क्लियर है?
चलिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दोनों में 3 ऐड किया जाए तो न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दीजिए x प्लस 3, और डिनोमिनेटर यानी y में 3 ऐड कर दीजिए y प्लस 3, तो कितना हो जाता है 5/6 इक्वल टू 5/6। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में, 5 का मल्टीप्लाई y प्लस 3 में, तो 6 × x 6x 6 3 = 18, 5 × y 5/5 3 = 15, तो 6x − 5/18 उस साइड चला जाएगा तो 15 − 18 मतलब 6x − 5y = −3। इक्वेशन नंबर सेकंड, दो इक्वेशंस आपको मिल गई, एक आपकी इक्वेशन क्या है ये है और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी ये है। दोनों इक्वेशन में कोई सी भी इक्वेशन चूज़ कीजिए और वैल्यू आपको पुट करनी है, चाहे आप फर्स्ट कीजिए या सेकंड। चलिए तो मैं यहाँ पे अब एक ट्रिक और बताता हूँ कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए बेटा, जिसके कॉफिशियंट्स छोटे हैं उसको लेट के उसको कंसिडर करेंगे आप पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे आप कोई सा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हम 6x − 5y = −3, तो 6x की वैल्यू निकालेंगे क्या जाएगा 5y, उससे जाएगा प्लस का 5y − 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5y − 3/6, ये x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई है, क्या हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये x की वैल्यू सेकंड से निकाली कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 11 × x, x क्या है 5y − 3/6, 5y − 3/6 −9y = −4, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पे अपॉन में कितना है 6, तो 6 से पूरी इक्वेशन है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट, बचेगा क्या 11 × 5, तो 55/11 × 3 = 33। अब 6 का ऐसे मल्टीप्लाई 6 × 9 = 54, तो माइनस के 54y, और 6 का ऐसे 6 × 4 = 24, तो माइनस का 24। अब 55y में से 54y गया तो कितना जाएगा वाई, 33 उस साइड चला जाएगा तो कितना जाएगा 33 पॉजिटिव माइनस के 24, तो y की वैल्यू क्या आ गई 33 − 24 यानी कि 9, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9 आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x = 5y, y = 9 −3/6 मतलब 5 × 9 = 45 − 3/6, 45 − 3 = 42, 6 × 6 = 6, 7 × 7 = यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब आपको निकालना क्या था, फ्रैक्शन, तो हैंस फ्रैक्शन = x/y था यानी कि 7/9, ये आपका आंसर, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। क्लियर बेटा, जो कहा जाए उसको करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, कभी जो है मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोकिए, पीछे कीजिए, फिर एक बार और, क्लियर है बेटा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, और उसके पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट बताया था। क्लियर है, तो ये थर्ड वीडियो है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, क्लियर है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड आपको बताऊंगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कहता है, 5 years hence
द एज ऑफ जैकब जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल बाद जैकब की एज जो है अपने पुत्र अपने सन की एज से कितना हो जाएगा, 3 times, क्लियर है। एंड 5 years ago, 5 साल पहले जैकब्स एज 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि जैकब की एज जो थी वो अपने सन से 7 गुनी 7 times थी। वाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, आपको जैकब और उसके पुत्र यानी कि सन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो जो फाइंड करना है उसको लेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे यहां पे लेट एट प्रेजेंट जैकब्स एज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड सन्स एज इक्वल टू वाई ईयर्स। अपन लोगों ने लेट कर लिया कि जैकब की एज कितनी है अभी एक्स ईयर्स और उसके सन की एज कितनी है वाई ईयर्स। तो चलिए 5 years हेंस की बात करते हैं, तो 5 years हेंस 5 साल बाद जैकब एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद कितने 5 साल बढ़ जाएगी यानी x है तो क्या हो जाएगी x प्लस 5, क्लियर है। एंड सन से कितनी हो जाएगी y प्लस 5। अब 5 साल वाली एज 5 साल बाद वाली एज का रिलेशन क्या दिया गया है, जैकब क्या है 3 times दैट ऑफ सन, जैकब जो है अपने सन की एज से 3 times 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब्स एज 5 साल बाद कितनी है x प्लस 5, तो x प्लस 5 इज एज का मतलब इक्वल 3 times द एज ऑफ हिज सन y प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, 3y कितना हो जाएगा 3 into y, 3y, 3 into 5 कितना हो जाएगा 15। तो बेटा देखिए x 3y को साइड लेके आएंगे, x माइनस 3y 5 को साइड, तो 15 minus 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 minus 5 कितना जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, क्लियर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो है अपन लोग किसकी बात करते हैं 5 years अगो, तो 5 years अगो जैकब्स एज, तो अभी कितनी है x 5 साल पहले कितनी आएगी 5 minus कर देंगे तो x माइनस 5 एंड सन्स एज कितनी जाएगी y माइनस 5, क्योंकि वो भी 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 5 साल पहले कहते y माइनस 5। अब इसके बेस पे जो आपको कंडीशन दी है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दी कंडीशन कि जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, जैकब की एज जो है ये एज जो है इस एज की 7 times हो जाएगी, तो x माइनस 5 इज 7 times 7 का मल्टीप्लाई बाई माइनस 5। अब बेटा देखिए x माइनस 5 7 का मल्टीप्लाई 7 into y 7y 7 5 से 35। अब x 7y साइड ले जाएंगे माइनस 7y 5 को साइड ले जाएंगे तो 5 माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस 35, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 माइनस 35 कितना हो जाएगा माइनस का 30। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है, तो वीडियो को रोकिए और आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्लियर कीजिए। हो गया बेटा नहीं हुआ, हो गया नहीं, चलिए मैं करता हूं जिसका हो गया वो चेक करेंगे। तो देखिए बेटा यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 है तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 3y उस साइड तो प्लस का 3y, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई थर्ड। x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे अपन लोग सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट से निकाली सेकेंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो 10 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा माइनस के
4y इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 और 10 उस साइड जाएगा तो माइनस का 10, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 40, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 40 अपॉन 4, 4 बन जा 4 10 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या कहती है, x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू y, y कितना है 10, तो मतलब 10 प्लस 30 यानी कि 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो आपको लिखना है हैंस, तो हैंस एट प्रेजेंट जैकब एज कितनी होगी बेटा, जैकब की एज कितनी है 40 ईयर्स एंड सन की एज कितनी है 10 ईयर्स, और 5 साल पहले की बात करें तो ये 35 रहेगा, ये 5 रहेगा, तो 5 7 टाइम्स हो जाएगा, और 5 साल बाद की बात करें ये कितना हो जाएगा 45, ये 15, तो 15 3 या 45, मतलब अपन लोगों ने जो किया है वो सही किया है, क्लियर है बेटा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छी तरह समझने के लिए मेरी लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं विनय द्विवेदी आपका मैथमेटिक्स टीचर आपके लिए इस तरह की वीडियोस और भी लाता रहूँगा, तो निकालिए कॉपी और पेन और नोट करते चलिए, और पूरा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 10th मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ, ठीक है, वीडियोस में बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को रोकिए और नोट जरूर कीजिए।